नेहरू युवा केंद्र रुद्रप्रयाग द्वारा नमामि गंगे योजना के अंतर्गत युवाओं को 7 दिवसीय स्पीयर हेड टीम प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। वहीं नेहरू युवा केंद्र की परियोजना अधिकारी अभिलाषा पवार ने बताया कि गंगा को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, साथ ही गंगा की अविरल पवित्रता बनी रहे, इसी उद्देश्य से 7 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है। हर दिन विशेषज्ञों द्वारा युवाओं का मार्गदर्शन किया जा रहा है। इसमें युवाओं की सहभागिता जरूरी है। शिविर में आए युवक और युवतियों ने भी नमामि गंगे योजना की सराहना करते हुए कहा कि गंगा की स्वच्छता बनी रहनी चाहिए। गंगा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। गंगा की पवित्रता के लिए हम सबको आगे आकर प्रयास करने होंगे। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। 25 जून से हमारा ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण जो 50 युवा हैं उनके नमामि गंगे परियोजना के तहत आरंभ किया गया, जिसमें कि हम इन युवाओं को माँ गंगा की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस कैंप का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में हमको अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लोग लेक्चर देने आए और बताया कि गंगा को कैसे साफ कर रखे। इसका टॉपिक है नमामि गंगे। तो ये हमारा तीसरा दिन है। ये 7 दिवसीय कैंप लगाया है, ये हमारा तीसरा दिन चल रहा है। और जो हमें बताया गया है कि गंगा को स्वच्छ कैसे बनाएं, अपने आसपास जो हमारी नदियां हैं, गाड़ गदेरे हैं, इन्हें स्वच्छ कैसे बनाएं।